ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले हमारे दो जो कॉमरेड है जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। आज मैं हम लोग सुनेंगे सब लोग, इसीलिए सबसे पहले कॉमरेड उमर को मैं बुलाना चाहूंगा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने इमोशंस और मैं क्या फील कर रहा हूं उसको किन शब्दों में बयान करूं। आज अगर पिछला 1.5 महीना मैं पलट के देखता हूं, अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू बिकॉज थिंग्स हैव हैपेंड सो फास्ट दैट एवरी डे आई एम थिंकिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक सेंस दैट प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल सही साफ शब्दों में यहां पता है और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर सरकार को लग रहा था, आरएसएस को लग रहा था कि वो हम कुछ लोगों को प्रोफाइल करके विछंड करके हम लोगों को तोड़ सकती है, हम लोगों के आंदोलन को तोड़ सकती है, हम लोगों के एकता को तोड़ सकती है और सबसे जरूरी हम लोगों के हौसलों को तोड़ सकती है, तो वो कितने बड़े मुगालते में थे। उसको ये देखने को मिल रहा है। आज मैं आप सब लोगों के बीच में खड़ा होके 1.5 महीने पहले से ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूं और ये हमारे आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत है। साथियों, हम लोगों को धारा 124A के तहत अंदर किया गया, सेडिशन अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको बताना चाहेंगे हमको इस बात का कोई दुख कोई शर्म नहीं है कि हमको इस धारा 124A के अंदर बंद किया गया। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर बुक्ड अंडर अ लॉ इन विच द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आर कंट्री and after that several people, वो सारे
हमेशा क्वेश्चन किया है, जो जनता के आंदोलनों में जुड़े रहे हैं, चाहे वो विनायक सेन हो, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, चाहे वो प्रोफेसर शेख शौकत हो, हमारा नाम उन लोगों के साथ जुड़ा इस बात हमको वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। कॉमरेड प्रेसिडेंट कन्हैया ने एक बात बहुत अच्छी बोली, धारा 124 है, अंग्रेजी में सेडिशन होता है, हिंदी में देशद्रोह नहीं राजद्रोह होता है। और आज का जो ये मोदी राज है, आज का जो ये फासिस्ट राज है, आज का ये जो जनता विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, इंसान विरोधी, जनता विरोधी, चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमारा विद्रोह जारी रहेगा। एक और चीज सोचने वाली बात है, 1860 का एक लॉ हमारे खिलाफ यूज किया, ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लोग को अंग्रेजों के पास जाना पड़ा हमको अंदर करने के लिए। मतलब भगत सिंह ने बोला था भूरे अंग्रेज, इनके बारे में ही बोला था शायद। साथियों, अगर साफ शब्दों में मैं बोलूं तो इस बात का भी कोई शर्म नहीं है, कोई दुख नहीं है कि हम लोग कुछ दिन जेल में बंद थे। आज क्रिमिनल्स तो वो है जो पावर में है, जेल में तो वो है जो उस पावर का विरोध कर रहे हैं। जेल में आप अगर थोड़ा डेमोग्राफी देखें तो आपको जेलों के अंदर की जो तादाद है वो दिख जाएगा। अगर आप मारुति के मजदूर हैं जो अपने यूनियन की बात कर रहे हैं तो आपको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ या झारखंड के आदिवासी हैं जो अपने चल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं तो उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। अगर आप दलित हैं जो रणवीर सेना के खिलाफ लड़े हैं तो आपको जेलों में भर दिया जाएगा। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी खता यही है कि आप मुसलमान हैं, आपको जेल में भर दिया। तो लोग जो इन लोगों के साथ खड़े होते हैं, सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट, डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, उनको भी जेलों में भर दिया जाएगा, हमको भी जेलों में भर दिया गया कुछ दिन, कोई बात नहीं, बाहर आ गए हैं। और जितने और लोग सत्ता का विरोध करते हुए जेलों के अंदर गए हैं, उन सबकी लड़ाई को हम आने वाले दिनों में मुकम्मल अंजाम देंगे। साथियों, इस लड़ाई में हमने बोला कि आज हमारे देश में फ्रीडम एक्सप्रेशन खतरे में है। मैं अग्री नहीं करता, मैं डिसएग्री करता हूं। कहां है फ्रीडम एक्सप्रेशन खतरे में? अगर आप, ये डिपेंड करता है आप सत्ता के किस तरफ है, उस हिसाब से आपको फ्रीडम एक्सप्रेशन दिया जाएगा।